ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में बीजेपी के प्रमुख अंदरूनी रणनीति अब सामने आ रही है। साधु संतों के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कवायद की जा रही है और बड़ी संख्या में लोगों की आस्था संप्रदायों से जुड़ी हुई है। और खुद मुख्यमंत्री को हमने कई दफा कई संप्रदायों के प्रमुखों से चर्चा करते हुए भी देखा। सर्वाधिक संख्या में अब साधु संत बीजेपी से टिकट की मांग भी कर रहे हैं और आगामी दिनों में साधु संतों को पिछली बार से ज्यादा टिकट मिल सकते हैं, इस बार ये भी कहा जा रहा है। तो जब कहीं पर भी मुख्यमंत्री दौरा करती हैं तो वहां पर किसी ना किसी संप्रदाय के प्रमुख से मुलाकात जरूर करती हैं। वहां पर आस्था का जो केंद्र मंदिर रहता है वहां पर दर्शन पूजन जरूर करती हैं। तो इन सब के बीच में कल जैसा हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि संत समाज भी अब राजनीतिक गलियारों में एंट्री के लिए दस्तक दे रहा है और माना जा रहा है कि इस बार बड़ी संख्या में टिकट भी दिया जा सकता है। स्ट्रेटेजी के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि एक कद्दावर नेता की तरफ से कहा भी गया था कि संत हमारी मजबूती है और अगर उनको टिकट दिया जाता है तो इसमें प्रॉब्लम भी क्या है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जुड़ गया। ऐश्वर्य, क्या कहा जाए कि अब जब तमाम तरह की सिचुएशंस को देखा जा रहा है, मंथन किया जा रहा, तो फिर से हिंदुत्व की राह या फिर मंदिरों मठों की राह? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व का प्रमुख अंग या हिंदुत्व और साधु संत दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो जब हिंदुत्व की बात आएगी तो साधु संतों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। विचार परिवार जो है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या फिर आरएसएस के अन्य विचार परिवारों के अनुषांगिक संगठन, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ सरीखे व्यक्ति को, जो कि संत समाज से था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और मैसेज दिया। तो ऐसे में साधु संत यानी कि विभिन्न संप्रदायों के जो साधु संत हैं, तो उन्हें उम्मीद जागी और उन्हें लगने लगा कि राजनीति में भी हमें एंट्री करनी चाहिए। और यही रीज़न है कि टिकट मांगने वाले सर्वाधिक संख्या में आ रहे हैं। लेकिन मैं इसके परे अभी इस वक्त जाऊँगा, अगर हम पश्चिमी राजस्थान से लेकर धौलपुर तक चले जाएं या बांसवाड़ा डूंगरपुर से लेकर कोटा संभाग के एंड झालावाड़ तक चले जाएं, तो कई तरीके के संप्रदाय हैं, कई संप्रदाय हैं जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और उन आस्थाओं के जरिए यदि उन साधु संत, उन संप्रदायों के प्रमुख जो हैं, वो किसी पार्टी को समर्थन देते हैं या पार्टी के नेता को आशीर्वाद देते हैं, तो मैसेज दूर तक जाता है। यही रीजन है कि मुख्यमंत्री की कई साधु संतों से लगातार मंत्रणा चल रही है, कई साधु संतों से मंत्रणा हो गई है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि पिछले 4 सालों में मुख्यमंत्री जहां कहीं भी मंदिरों में जाती थी तो उस संप्रदाय के, जिस संप्रदाय के लोग आसपास मंदिर के आसपास रहते थे साधु संत, तो उस संप्रदाय के मठाधीश से या फिर वहां जो साधु संत रहते हैं उनसे मंत्रणा करती थी, मुलाकात करती थी। तो एक ग्रामीण स्तर पर देखा जाए या शहरी स्तर पर देखा जाए तो लोगों की आस्थाएँ जुड़ी रहती है विभिन्न समाजों, विभिन्न संप्रदायों की तरफ। कई संप्रदाय हैं तो इसका एक मैसेज जो है, हम इसे कर्नाटक से भी जोड़कर देख सकते हैं कि खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कई साधु संतों के यहाँ पर जाकर आए थे और उन्होंने यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी उन मठों को साधने के लिए, वहां पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐश्वर्य, अब दौर बदल रहा है, जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस है, बीच में बीजेपी ने भी एक मैसेज दिया, जिस तरह से प्रधानमंत्री को सुने हम कि वो सॉफ्ट सेक्युलरिज्म की राह पर है, संघ की तरफ से भी एक ऐसे मैसेज दिया गया था, तो क्या उन नफा नुकसान को मापते हुए भापते हुए एन मूवमेंट पर फिर से आप अपना रुख चेंज कर रहे हैं, फिर से उसी मुद्दे पर आ जा रहे हैं, उसी पॉइंट पर आ जा रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इनकी भारतीय जनता पार्टी को जितना हम समझ पाए हैं कि बीजेपी का जो मूल है वो हिंदुत्व है, हिंदुत्व से परे नहीं जा सकती बीजेपी। भले ही बीजेपी नेता बात अलग तौर पर करें लेकिन मूल जो है वो हिंदुत्व है। और शुरुआत जो हुई थी वो श्री राम से ही हुई थी, राम के जरिए ही आज यहाँ तक बीजेपी पहुंची है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में लोग जो हैं, यदि दोनों पार्टियों से तुलना की जाए तो साधु संत जो हैं या विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख हैं, वो सर्वाधिक बीजेपी की तरफ देखते हैं। मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा सुषमा, जब अमित शाह का जयपुर दौरा हुआ था पिछले वर्ष, तो उन्होंने जितने भी साधु संत थे अलग अलग संप्रदायों के, उनको बुलाया था और उनके साथ संवाद किया था, उनसे बातचीत की थी और उन्हें मैसेज देने की कोशिश की थी कि बीजेपी जो है उसने साधु संतों के लिए क्या किया है या मठों के लिए क्या किया है। और इसकी एक मिसाल यह भी है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री ने धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के जरिए या फिर देवस्थान महकमे के जरिए तमाम जो प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिरों का कायाकल्प करके एक
मैसेज देने की कोशिश की है धार्मिक लोगों में जिनकी उन मंदिरों में आस्था है, उन लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी सरकार है ये मंदिरों के कायाकल्प करवाती है। और अक्सर अपने हर एक भाषण में मुख्यमंत्री ने इस चीज का जिक्र किया है कि पहले पुष्कर जो मंदिर था उसकी क्या स्थिति थी, या पहले गोविंद देव जी, या फिर यहीं जयपुर की अगर हम बात करते हैं उसके आसपास के तमाम मंदिर हैं, खोले के हनुमान जी देख लीजिए, या फिर आप पास में ही सामोद के हनुमान जी देख लीजिए, तमाम जो स्थल हैं, चाहे झालावाड़ देख लीजिए, कहीं भी किसी भी मंदिर को देख लीजिए। लेकिन अगर मंदिर का इशू उठता है यहाँ पर, तो एक सवाल भी याद आ जाता है, सचिन पायलट ने जो पूछा था यात्रा को लेकर के मंदिरों को तोड़ने वाली भी यही सरकार थी, बीजेपी ने ही मंदिरों को तोड़ा है, तो क्या वो काउंटर अटैक यहाँ पर किया जा पाएगा? देखिए, राजनीति का सिद्धांत है, राजनीति के सिद्धांत में कमजोरी पर यदि वार किया जाए तो मैसेज दूर तलक जाता है। तो कमजोरी पर वार जाहिर तौर पर सचिन पायलट करना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर जब रोजगारेश्वर मंदिर का सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बना था, जिस वक्त मेट्रो का काम चल रहा था, हालांकि रोजगारेश्वर मंदिर को अब वापस से बनाया गया है, उसे जब हटाया गया तो उसको लेकर विरोध और आंदोलन प्रदर्शन जैसी चीजें आई, कुछ लोग हैं वो सड़कों पर भी उतरे, तो वो एक छोटी सी बात थी, उस बात के जरिए सचिन पायलट ने भी मैसेज देने की कोशिश की। हालांकि गुजरात में भी जब गुजरात का नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो कई मंदिरों को शिफ्ट किया गया था, मंदिर शिफ्टिंग की प्रक्रिया होती है, लेकिन मंदिर तोड़ने को लेकर या मंदिर हटाने को लेकर शब्दों का खेल होता है। मंदिर जब हटाया जाता है, मूर्तियां जब हटाई जाती है, तो जब कोई भी विरोधी पार्टी जो है उसका विरोध करती है तो मंदिर तोड़ने जैसे शब्दों का भी सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे कि लोगों की भावनाएं हैं वो उसके साथ जुड़ी रहती है, तो राजनीतिक रूप से लाभ लिया जा सके। लेकिन यहां पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो एक मुद्दा जो था वो मुद्दा भी काफी चर्चाओं में रहा था, लेकिन यहाँ पर जी चर्चा तो तब भी हुई थी जब मध्य प्रदेश में कुछ संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया था, तब बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। लेकिन सवाल यही है ऐश्वर्य की, घूम फिर के वहीं पर जब आप आ जाते हैं तो विपक्ष के पास एक मुद्दा भी बन जाता है मंशा पर आपके सवाल उठाने का, तो क्या फिर से विपक्ष को एक मुद्दा नहीं मिलेगा इसके जरिए? देखिए, यहाँ पर मंदिरों के जरिए मैं आपको मिसाल के तौर पर बात करूंगा कि राजस्थान का हर एक मंदिर जो है अपने आप में प्रमुख जो मंदिर है हर एक इलाके का, उसमें प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। लाखों श्रद्धालु जब आएंगे, उससे पहले यदि वो एक साल पहले उस मंदिर में आकर गए हैं श्रद्धालु और एक साल बाद की स्थिति देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो ये मालूम जरूर करते हैं कि ये मंदिर का सुधार किसी धन्ना सेठ ने करवाया, सरकार ने कराया, व्यक्ति ने कराया, किसने कराया, तो ये मैसेज जाता है। उस मैसेज का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहिए, हालांकि महापुरुषों के पैनोरमा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाए हैं, लेकिन मंदिरों का जो कायाकल्प होता है वो अलग मैसेज देता है। और साधु संत जो है उनको भी यदि देखा जाए तो साधु संतों को भी के दिमाग में भी या उनके मस्तिष्क में भी ये बात बैठती है कि मंदिरों का जीर्णोद्धार इस सरकार ने करवाया, इस सरकार ने मंदिरों के आसपास के इलाकों का काम करवाया, तो मैसेज भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य इस चर्चा के लिए। तो यहाँ पर वही बात है कि क्या फिर से मंदिर की सियासत के इर्द गिर्द बीजेपी के मुद्दे होंगे, क्योंकि जिस तरह से संत समाज की तरफ से टिकट की मांग की जा रही, कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि लोहारगल धाम के पीठाधीश्वर अवधेशानंद भी टिकट की दौड़ में सामने आए थे, और जब इसको लेकर हमारे सहयोगी ने मुकेश दाधीच जो कि प्रवक्ता है उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो परंपरा रही है वो यही रही है, हमारी पार्टी जो रही है शुरू से ही धर्मपरायण रही है, और इसमें फिर कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। संत समाज अगर आता है समाज सुधार के लिए, विकास के लिए, तो मोस्ट वेलकम। लेकिन बात यही है कि क्या इसके जरिए जीत निश्चित करने की कोशिश की जा रही है, फिर से तमाम नफा नुकसान को टटोलते हुए, भापते हुए, गणित लगाते हुए उस मुद्दे पर फिर से बीजेपी वापस आ रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से